Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Live with Aisha and welcome to another video. I hope you all are fine and doing well. I'm also fine. So in today's video I'm going to share a very beautiful and an easy quilling project which is air balloon. So air balloon bahut famous project hai, har koi chahta hai ki hum use banaye. And mujhe last video mein quilling ke bare mein jisne jo maine banayi thi sunflowers par mujhe kisi ne kaha tha please speak in urdu, so aaj se main urdu mein hi aap log se baat karne wali hu. So let's start off with video aur hum log sabse pehle apna material dekh lete hain, hame kya kya chahiye. Sabse pehle wahi jo purani cheeze hoti hain jo hum log ko har video ke liye chahiye wahi chahiye. So main aap log ko har cheez dikha deti hu so aap log ko easy rahe aur aap log aasani se sari jo details hai use samajh sake और अपना एयर बलून क्रिएट कर सकें जैसे मैं आज करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, जो मटेरियल हमें चाहिए उसमें सबसे पहले तो हमें कॉल्स चाहिए जो कि मैंने पहले बना ली हैं बिकॉज इनको ही प्रिपेयर करते हुए बहुत टाइम लग गया था. सो सबसे पहले मैं कलर कॉम्बिनेशन जो रख रही हूँ वो इन सब कलर्स का रख रही हूँ. मैं आप लोगों को बता देती हूँ बिकॉज एयर बलून में जो एक चीज़ मैटर करती है इट इज़ कलर कॉम्बिनेशन. अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आपका एयर बलून श्योरली अच्छा लगेगा. सो स्टार्टिंग विद द कलर्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ द स्काई ब्लू. सॉरी आई हैव टू बी स्पीक इन उर्दू. सो मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर. ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. इसमें मैंने बहुत से लाइक इस साइज़ के बनाए हैं कोल्स, कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह से बनाए हैं. सेकेंड कलर है येलो. येलो भी मैं इस तरह से मैंने बनाए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं कुछ बारीक हैं कुछ मोटे हैं. उसके बाद आ जाता है कलर रेड. इट्स नॉट अ रेडिश और पिंकिश कलर, प्योर रेड कलर. ठीक है, सो आपने प्योर कलर रेड प्योर कलर लेना है. उसके बाद आ जाता है शॉकिंग पिंक. नॉट अ बेबी पिंक कलर, नॉट अ टी पिंक कलर. शॉकिंग पिंक कलर इसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा. उसके बाद आ जाता है पैरेट और अ ग्रीनी कलर, जो कि नॉर्मल ना तो ज़्यादा पैरेटी कलर हो ना ही ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर हो. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पर्पल वन. पर्पल वन डार्क पर्पल बहुत मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देगा. इसको जिसपे हम क्रिएट करने वाले हैं वो है ये आर्ट कार्ड का एक पीस जो कि मैं यूज़ करूँगी. ठीक है, सो मैं इसकी लेंस वगैरह आप लोगों को डिटेल में नहीं बता सकती बिकॉज मुझे जितना बड़ा एयर बलून चाहिए मैंने उसके मुताबिक ही लेंस ली है. इसके अलावा हमें शेरी की वाइट क्राफ्ट ग्लू चाहिए है, और क्या हमें चाहिए है, एक अदर सीजर चाहिए है, कटर चाहिए है एज जैसे हम यूज़ करते हैं, स्केल चाहिए है, ब्राउन कलर की एक शीट चाहिए है, और ये जो छुपी सी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये है जी एयर बलून की एक मेजरमेंट किया हुआ मेरे पास. क्या कहूँगी इसे मैं, एक एक्सपेरिमेंटल थिंग आई थिंक. सो इस तरह का मैंने एक रखा हुआ है अपने पास. मैं जो भी चीज़ पहले बनाती हूँ उस तरह उसके लिए इस तरह की एक चीज़ जो है क्रिएट करके लाजमी रखती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड हाउ टू डू दिस थिंग आई एम गोइंग टू शो यू गाइज. सो लेट्स गो. ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो अपना चार्ट पेपर का पीस लिया था, एक्चुअली मैंने आर्ट कार्ड लिया. आप लोगों को पहले भी पता है कि मैं आर्ट कार्ड पर ही काम करना पसंद करती हूँ. सो इसके ऊपर मैं ये जो मेरा पहले से बनाया हुआ एक एयर बलून है इसे मैं ड्रॉ कर लूँगी. ड्रॉ करें तो ये याद रखें कि ऊपर नीचे साइड पर हर जगह जो है थोड़ी थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा छोटी होनी चाहिए जो कि अच्छी लगती है. और मैंने एक पेंसिल बताना सिर्फ भूल गई थी, वो मैंने यूज़ की है इसको ड्रॉ करने के लिए. ओके, सो गाइस इस तरह से मैंने स्पेस अब ड्रॉ कर ली है लाइंस. एक्चुअली अभी अब आपको बहुत ज़्यादा रफ नज़र आ रही होंगी लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा. स्टार्ट करूँगी लगाना. सो मेक श्योर कि आप लोग जब भी लगाएं आप लोग बेस्ट कलर यूज़ करें और बेस्ट क्वालिटी की ग्लू यूज़ करें. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट लाइक दैट. आहिस्ता आहिस्ता हम इस सब पोर्शन को फिल करेंगे जो कि ग्रीन का है, और इसी तरह से हम बाकी कलर्स के पोर्शंस को भी फिल करते चले जाएंगे. बहुत इजी है और बहुत मज़े का है. बस आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जो भी आप क्विल्स लगा रहे हैं, कॉल्स लगा रहे हैं, क्विल्स कह रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन, सो वो आप लोग बिल्कुल अच्छे से लगाएं और बिल्कुल उनको एक मैनेजिंग प्रॉपर वे में लगाएं. ठीक है, जो चीज़ मैटर करती है. अब कुछ लोग जो होते हैं वो इसके साइड्स पर बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी बाउंड्री बिटवीन लाइक अराउंड देम. सो मैं कोई भी बाउंड्री वगैरह नहीं बना रही. आई एम जस्ट गोइंग टू put them in a right way, that's it, not much more. ठीक है, so मुझे ऐसे खुला खुला अच्छा लगता है, मुझे ऐसे प्यारे लगते हैं, so इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊँगी. अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस तरह भी बना सकते हैं जैसे Pinterest पर अक्सर आप लोग फाइंड आउट करते होंगे तो आपको मिलता होगा. सो या आई एम जस्ट डूइंग दिस. ओके, सो आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड द वन साइड. इसको आप कह लेंगे वन कलर,
of the air balloon. So मैंने green वाले सारे लगा लिए और इतने से बच भी गए हैं. मुझे लगता था शायद नहीं बचेंगे, लेकिन बच गए हैं. So the next color is the light blue. So ये ले लेते हैं. मैंने क्या किया है, मैंने एक जो dark color उसके साथ थोड़ा सा sorry light color रखा है, because ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. So starting with this one. Also so इसको मैं यहाँ कर, oh no, what I've done right now. Okay, problem is. इकट्ठा करके डाल देते हैं. सो मैं इसको डार्क कलर के साथ मैनेज कर रही हूँ और सबसे पहले मैं टिप को कवर करूँगी. देन आई एम गोइंग टू फर्दर मोर. सो मैं बहुत ज़्यादा सोच सोच कर लगाती हूँ, इसलिए मैं ऑफ कैमरा लगा लेती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ को मैनेज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और फिर इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, विच मेक्स यू आई थिंक सो बोरिंग. सो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो क्रिएट नहीं करना चाहती होती. तो इसलिए मैंने देखे अभी आप लोगों के सामने दो तीन कलर्स, दो तीन जो साइजेस हैं उन्हें रिजेक्ट किया, एंड देन आई वाज चूज वन ऑफ देम फॉर दिस वन. तो इस तरह से मैं करती हूँ ताकि मुझे हर चीज़ जो है बिल्कुल एक प्रॉपर वे में मिल सके. सो या इसी तरह से अच्छा लगता है आप प्रॉपर वे में हर काम को करें. बेशक वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, नो प्रॉब्लम, बस अपने काम में परफेक्ट रहें और हेल्पफुल रहें दूसरों का भी के भी, ताकि वो भी अपने काम को, इस तरह के काम को कर सकें. सो ब्लू की काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है, लाइक नॉर्मल साइड पे अगर देखें तो ग्रीन थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन ब्लू जो है मैंने उसे अच्छी खासी जगह दी है. तो बिकॉज हमारे ऑलमोस्ट जो सभी कलर्स हैं वो डार्क है, लाइक पर्पल डार्क है, रेड डार्क है, एज वेल पिंक डार्क है, सो ग्रीन भी डार्क ही शेड्स में ही आ जाता है. सो इसलिए मैंने इन दोनों कलर्स को थोड़ी स्पेस दी है, लाइक येलो को भी मैंने दिया है अच्छा खासा स्पेस और इसको भी. सो आई एम जस्ट डूइंग दिस वन. सो या इसको बहुत अच्छे से नाइसली क्लियर से हम लोग इसको कर लेते हैं. ओके सो गाइज आई एम डन विद इट. मैंने ऑफ कैमरा ये सब कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज इट इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग. सो मैंने सोचा कि मैं इस ऑफ कैमरा ही कर लूँ. सो आपने क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने ग्रीन लगाया था, उसके बाद मैंने ब्लू लगाया, येलो लगाया, रेड है, साथ में शॉकिंग पिंक है, अर्दन पर्पल है. आपने जस्ट ये जो फर्स्ट टू कलर्स हैं इनको ऐसे नीचे लेकर आना है, और ये जो दो हैं इन्हें थोड़ा सा ऊपर तक रखना है ताकि ये ज़्यादा एनहेंस करें इनको. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. सो या अभी आप लोग सोच रहे होंगे एयर बलून के नीचे एक बकेट होती है, सो आई एम गोइंग टू मेक दिस बकेट. पर उसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन ऑफ द कैमरा ही कर ली थी, बिकॉज क्विलिंग का काम ओवरव्यू जो अगर हम देखें तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं उसे ऑफ कैमरा ही करना बेटर समझती हूँ. सो मैंने ये कॉइल बना ली है, इट्स ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर कॉइल. सो 4 सेंटीमीटर की ये कॉइल है और इसमें मैंने 6 स्ट्रिप्स को जोड़ा है. अब आप लोग एक चीज़, इसको बनाने का मैं एक मेथड आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको करना है, कि ये कितने हमने सेंटीमीटर्स की बनानी है या कितने इंचज़ की बनानी है. सो इसको बनाने का जो सिंपल एक तरीका मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कि जो आप लोग टॉप से एयर बलून ला रहे हैं उसको जब आप नीचे को करेंगे, कार्व में लाएंगे, और उसकी जो नीचे की बाउंड्री बनेगी ना, सॉरी इस बाउंड्री के इक्वल आपने देख लेना है. मेरा स्केल जो है उसके मुताबिक जो है ये मुझे कितनी बड़ी थी मैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ. अच्छा जी, सो मुझे ये ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर्स का लग रहा था, सो मैंने 4 सेंटीमीटर्स की ही काट ली है. अच्छा मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ इंचज़ और सेंटीमीटर्स में, सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो होती है ना, ये मोटी वाली साइड होती है और ये थोड़े बैरिकल होते हैं. आई थिंक सो इन्हें सेंटीमीटर्स ही कहते हैं. सो ये 4 पर बन रहा था मेरा, सो मैंने ये 4 का बना लिया है. ओवरव्यू अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो बहुत अच्छी लेंथ है. मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सुनर और लेटर इसकी एक इस टाइप की एक और वीडियो ज़रूर सिखाऊंगी, जिसमें मैं इस तरह का एक और प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ. अब बकेट की तरफ आ जाते हैं, बकेट कैसे बनानी है. बकेट के लिए आपको 6 कॉइल्स चाहिए, उन्हें आपने अच्छे से कंबाइन कर लेना है. दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए. उसकी लेंथ आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपने इसके इक्वल रखकर जितनी इसकी नीचे से लेंथ होगी उसके इक्वल रखना है कॉइल को. मैंने 6 शीट्स जो थी A4 की उसकी 6 स्ट्रिप्स को जोड़ा है और सिंपली इसे बना लिया है. अब जो है हम इसे करेंगे ऊपर से स्क्वायर में लाएंगे, तो ऊपर से ये स्क्वायर की शेप देगी और नीचे से ये सर्कल की शेप देगी. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, उतार लेते हैं इसको, इस पर ले आते हैं. सो आपने एक स्केल की मदद से इसे यूँ लेना है और यूँ प्रेस कर देना है, लाइक दिस. ठीक है, इसके जो एजेस हैं इन्हें अच्छे से प्रेस कीजिएगा, लाइक दिस थिंग. ठीक है, इसका जो मिड थिंग है उसे भी अच्छे से प्रेस करें,
कोई इशू नहीं है क्योंकि कॉइल्स हैं, कॉइल्स जब भी लूज़ होती हैं वो बाहर आती हैं, उनका कभी भी इशू मत करें उसको, बहुत ईजी होता है इन्हें सही करना। सो इस तरह से करके आप इसे कर लें। मैं इसे थोड़ा सा लॉन्ग में रख रही हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा फैला फैला अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे थोड़ा सा इस टाइप से रखूँगी जो मुझे अच्छा भी लगे और इन्हेंस भी करें चीज़ों को। सो या ये मुझे शेप मिल गई इसकी, करेक्ट शेप अब आ चुकी है इसकी, जो इसके अंदर से फोल्ड हो गए हैं। अच्छा, फोल्डिंग वाले एरियाज को भी मैं नहीं कर रही। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो ये वाला है क्या ये इसकी इक्वल ही है। सो यस, ये भी 4 का ही है और जो ये बनाया, सॉरी अगर आप लोगों को नज़र नहीं आया होगा, सो ये भी 4 का ही है और जो ये वाला है ये 4 का बन चुका है, 4 की लेंथ कंप्लीट होगी। अब आपने सिंपली इसे उठाना है, जो मैंने ग्लू डाली थी, आज मेरा जितना भी टेबल है वो बहुत मैसी हुआ है। सो मैंने इस तरह से थोड़ी सी फैला के ग्लू डाली है, इसको मैं सिंपली लूँगी। इसकी भी डार्क और लाइट शेड का ख्याल रखिएगा, मैं डार्क शेड ले रही हूँ। इसे सिंपली इसके ऊपर रखें लाइक दिस, इसको यूं कर लें, ठीक है। अब मैं अपने इस वाले पेपर को सामने ला रही हूँ और इसको उठाऊंगी। चल बिट ऑफ मैसी, अपने पास टिश्यू लाजमी रखिएगा इस काम को करते हुए, ठीक है, बिकॉज बहुत सी ग्लू अभी आपके हाथ पर लगेगी और उस ग्लू को क्लीन अप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टिश्यू। तो इस तरह से आपने इसको लेना है और एग्जैक्ट इसके बिल्कुल नीचे इसको रख देना है। आई होप इट्स इन द मिडल, या ओके। सो बहुत ईजीली हम इसको भी कर चुके हैं लाइक दिस, बस इक्वल रखें और कुछ नहीं करना आपको। अच्छा जी, अब ये जो 2 स्ट्रिप्स थी मेरे पास, इनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ इनको क्या करना है। इनको सिंपली, सो गाइज इस तरह से इसको रखना है और इसको सही करते जाएं, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को कुछ मिसिंग हो गया होगा बिकॉज मैं इस पर बहुत ध्यान दे रही थी और मैं शूट पर ध्यान नहीं दे पाई कि इसमें क्या शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो आई होप आप लोगों को फिर भी समझ आ गया होगा बिकॉज हम लोग काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं। सो इट वुड बी ईजी फॉर यू ऑल गाइज टू नो हाउ आई डू दिस थिंग टू। अच्छा जी, सो मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉल्स उतर रही हैं, सो मैंने उनको भी दोबारा लगा लिया है। अब आपको इस तरह की 2 छोटी छोटी सी स्ट्रिप लेनी है इक्वल टू दैट लेंथ, एंड थोड़ी सी मेरे पास स्ट्रिप्स की, इस तरह से आपने इसको यूं ज्वाइन कर देना लाइक दिस, ठीक है। इसको यूं थोड़ा सा कार्ड रख के मैं ज्वाइन करूँगी। मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि इसको भी आपने कैसे ज्वाइन करना है, बहुत मज़ेदार काम है। बस पे योर अटेंशन राइट हियर, यू गाइस कैन डू दिस ऑल्सो। सो इस तरह से इधर से ग्लू ले लेते हैं, दूर जाना पड़ेगा। सो इसके एक कॉर्नर पे आपने जो ये वाला है इसके बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देनी है स्ट्रिप, और ऊपर वाले के थोड़ा सा कार्व में ले आनी है, दैट्स इट, ठीक है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल इस तरह से, बस जो लिटिल बिट ऑफ कार्डनेस आ जाए इसमें, ठीक है। और टिश्यू के साथ जो एक्स्ट्रा एरियाज पे ग्लू लगती है उसे फौरन से क्लीन आउट करते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया, इसी तरह से दूसरी साइड पर भी करेंगे। ओके सो गाइज, आई एम डन विद माई आर्ट वर्क, यू गाइज कैन सी दिस, दिस इज़ सो टाइम कंज्यूमिंग। मैंने ऑफ द कैमरा बहुत सा काम कर लिया था लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को फाइनल लुक तो दिखानी ही है और ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कॉइल्स को लगाने का तरीका बता दिया। अगर किसी को कॉइल्स बनानी नहीं आती, आप लोग मेरे बेसिक कॉइल, बेसिक स्टाइल ऑफ क्विलिंग की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं दोनों वीडियोज़ का लिंक जो है इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक लेकर वहाँ से देख सकते हैं। इसका मेथड बता दिया, इनको लगाने का मेथड बता दिया, इनको लगाने का मेथड बता दिया, शीट बता दी, आर्ट कार्ड लें, कभी भी चार्ट पेपर ना लें, चार्ट पेपर से हमेशा 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 पेपर का ही वो वेट उठा नहीं सकता, तो वो आप लोगों की आर्ट को कैसे क्या कहूँ मैं, वो कैसे आपकी आर्ट को खूबसूरत बनाएगा। सो हमेशा उस चीज़ को चूज़ क्या करें जो आपकी आर्ट को खूबसूरत बनाए। सो मैंने आर्ट कार्ड पे बनाया है, वो आप लोग भी आर्ट कार्ड को यूज़ करके इसे बनाएंगे बिकॉज इट्स मोर सुटेबल कि अगर आप लोग चार्ट पेपर पे बनाएं
then more suitable on this one. So I hope आप लोगों को आज का content पसंद आया है, आज की video पसंद आई है और आप लोग पिछली सब videos की तरह इस video पे भी अच्छा review देंगे मुझे. आप लोगों के questions का इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द answer करने वाली हूँ in a video, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से questions थे that I actually want to be answer on these all questions. So yeah, wait for the next video. I hope you all are satisfied with this one. So मिलते हैं एक नई वीडियो में. मैंने सोचा था आज उर्दू बोलूँगी लेकिन फिर भी इंग्लिश यूज़ हो जाती है. सो मिलेंगे एक नई वीडियो में. आज तक के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप आप लोगों को ये आर्ट पीस पसंद आया होगा, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद आया. मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इसे एक बेसिक लुक देने के लिए और इसे अपने रूम में रखने के लिए. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. अगर आप लोग कर रहे हैं तो आई एम वेरी वेल थैंकफुल टू यू ऑल गाइज. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.